अपने ख्वाबों के लिए, अपने हैबिट्स के लिए, अपने हॉबीज के लिए मैं बचा के रखूँगा। तो मैंने ये सोचा था कि 55 साल की उम्र में मैं अवकाश ग्रहण कर लूँगा। माँ सरस्वती की बड़ी कृपा थी कि 56वें वर्ष में मैंने अवकाश ग्रहण कर लिया। तब मैं बजाज ग्रुप में कार्यकारी निदेशक एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर था, सेकेंड मैन इन द मैनेजमेंट ऑफ चेयरमैन। और जब मैंने अवकाश ग्रहण किया तो हमारे साथ 31,000 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने का अनुभव आ चुका था। कविता नहीं थी उनमें, लेकिन मुझे बहुत सी चीज़ों में कविता दिखती थी, जैसे अभी कोणार्क के बारे में था। कोणार्क तो भग्नावशेष है, लेकिन मुझे उसमें कविता दिखी। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को अपनी लाइफ का के दो महत्वपूर्ण बिंदु बता दूँ, आपके काम आएंगे। पहला ये ध्यान रखें कि जिस चीज़ को आप दिल से स्वीकारेंगे वो चीज़ ज़रूर हो सकती है, बशर्ते कि आप उसे छोड़ेंगे। इस नियम को आकर्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मैंने कभी सोचा था कि पत्रिका निकालूंगा, हो गया। मैंने कभी सोचा था कि मेरी किताबें होंगी, तो अब तक कानून के विषयों पर 36 पुस्तकें और साहित्य में 117 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी। कहने का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरे मन से करें और ये ना सोचें कि होगा कि नहीं होगा। ज़रूर, अगर आपने सोचा होगा तो ज़रूर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो अपना लक्ष्य है उस पर ज़रूर नज़र रखें। मैं हमेशा विद्यार्थियों के बीच जब पहुंचता हूं तो उनको दो लाइनें ज़रूर सुनाता हूं, और आज शुरुआत ये दो लाइनें हैं। अभी जिंदगी की शुरुआत है, अभी जिंदगी की ये शुरुआत है, रुकने न पाए कदम, रुकने न पाए कदम, बढ़ते चलो लक्ष्य पर हो नजर, बढ़ते चलो लक्ष्य पर हो नजर, यही कामना है हमारी, यही कामना है हमारी। तो आप अपने लक्ष्य पर नजर, हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। जब विधाओं पर काम करने की बात आती तो सब विधाओं के साथ आप न्याय नहीं कर सकते।